Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. शिवसेना का हमेशा मारपीट करना, दंगा करना, आरोप करना यही काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और विकास कर रही है। थाने में बहुत बड़े मात्रा पे रोड तोड़े गए तो सरनाइक का ऐसा बोलना है कि रिक्शे वाले से लेके वो आज अरबपति बने हैं, तो ये सब पैसे ले लेके बिल्डर से वो बने क्या? शहर में थाना में रास्ते विकसित हुआ तो सब किसी ना किसी बिल्डर के लिए किया क्या? आज गोल्ड जो है वो रिक्शा चलाते थे और अभी अरबपति बन गए। मेरे प्रॉपर्टी को क्या उन्होंने किधर से मेरी प्रॉपर्टी गिनी हो मुझे पता नहीं है, मगर ठीक है, अच्छा है। हमारे सहयोगी सदस्य अगर मेरे प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे बारे में वो अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो मुझे खुशी है। मगर एक बात है, हाँ मैंने रिक्शा चलाया। मेरी माँ स्कूल में शिक्षिका थी, मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे और हमने अच्छा काम काज मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। वो हिसाब से मैं रिक्शा चलाना कुछ गलत नहीं, मैंने रिक्शा चलाई। ब्लू फिल्म बेचने का धंधा तो मैंने किया नहीं, वो सीडी और कैसेट मैंने बेची नहीं है किसी भी तरह से। इतने सालों में 20,000 या 50,000 या लाख रुपए लेके मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी चोरी चकारी नहीं की, फेरी वालों से हफ्ता नहीं किया, कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज नहीं लिया। तो अगर इसकी ये नहीं करने के बावजूद भी अगर मैं अच्छा डेवलपमेंट करता हूँ और अच्छा करता हूँ तो मुझे फख्र है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मगर इस तरह से अगर कोई इस शहर को बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा तो शिवसेना चुप नहीं बैठी। उद्घाटन करके था एमएमआरडी रोड का, सरनाइक भी वहां पे भाषण करके गए, एकनाथ शिंदे भी करके वहां पे भी हमने तोड़े गए, तो आप क्या कहेंगे? वो भी रोड किसी न किसी बिल्डर को जाता है, तो जहां जहां पे रस्ते डेवलपमेंट होता है उसका फायदा लाखों को होता है, हम किसी व्यक्तिगत को देख के करते नहीं। आज जो उन्होंने हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है, मैं उनकी निंदा करता हूं। उनको विरोध करने का पूरा अधिकार है, विरोधी पक्ष में है तो, लेकिन ये तरीका नहीं है। उनके पास आंदोलन के माध्यम है, कमिश्नर से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, कोर्ट में मिले, अधिकारी को गाली गलौज करना, हाथापाई करना, ये शोभता नहीं है। और उन्हें अगर लगता है कि ये हमारा तरीका गलत है तो हम उनको कहते हैं कि मीरा भाईंदर में जितने भी रोड है डेवलपमेंट के ऊपर वो सारे इलीगल बांध का वो खुद ही डिसीजन लेके एक महीने बाद वो दे देंगे, दो महीने बाद दे देंगे, छह महीने। हम नगर परिषद के किधर भी जाए उन्हें क्या करेंगे क्या? उनको कुछ करना नहीं है, करने देना नहीं। कल प्रभाकर मात्रे जी के घर के बाहर का भी हमने पिछवाड़ा तोड़ा, उनका घर का स्विमिंग पूल तोड़ा, तो वो किसको फायदा हो रहा था? वो तो किसी को फायदा नहीं हो रहा था, केवल एक जगह हुआ क्या? हमने हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है वहां भी कार्रवाई की म्युनिसिपैलिटी ने, वो किसी को फायदा हो रहा था क्या? शीतल नगर की इधर कार्रवाई हुई तो उधर कौन सा बिल्डर है, वहां पाया किसको फायदा हुआ क्या? तो ये आरोप प्रति आरोप लगाना उनका काम रहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। विरोध करने का अधिकार उनका है, उनका काम ही विरोध करना, वो करेंगे, उनको नैतिक अधिकार है संविधान के बाद, लेकिन जो इस तरह से हरकत की है वो निंदनीय है। राज सवाल 145 146, मैं मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व करता हूं, मैं और प्रताप सरनाइक क्या 145 में नहीं जाते हैं क्या? वो भी एक शहर के नेता, उनका अधिकार है जहां जाना है। मैं मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और हमें लगता है कि दोनों के महानगर पालिका और अधिकारी जो है वो और जिनके भी रास्ते में बारिश हो रास्ते में एक बैठ के रास्ता निकाल के शांतिपूर्वक निकले। अभी तक जितने हमने कार्रवाई की शांतिपूर्वक हुई, ये पहली बार ऐसी घटना घटी, नहीं तो आज तक कोई इस तरह का किस्सा घटा नहीं है। सत्ता में आने के बाद इतने जल्दी अगर ये उछल कूद अगर वो करते रहेंगे तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्या हो गया, वैसा ही परिस्थिति अगर मीरा भाईंदर में होगी, क्योंकि मैं तो सीनियर 25 साल से लोक प्रतिनिधि हूं, मैं देखता नहीं हूं आगे क्या होगा। पहले जनता का जो सवाल है वो सवाल को जवाब देना मैं चाहता हूं और उसके बाद में मैं राजनीति करता हूं। और शिवसेना का यही नारा है, पहले लोगों का जो काम है, अन्याय अगर अत्याचार होता है लोगों के ऊपर, उसको न्याय मिलने के लिए आगे जीत हार की कोशिश जो होगी वो जनता तय करेगी, मगर हम लोगों के लिए अगर अन्याय उनको होता है उनके ऊपर तो हम रास्ते पे जरूर उतरेंगे। कोई भी होने दो, चाहे लॉजिंग बोर्डिंग सभापति का होने दो, लॉजिंग बोर्डिंग नगर सेवक का होने दो, लॉजिंग बोर्डिंग महापौर का होने दो, या लॉजिंग बोर्डिंग विधायक का होने दो, या एमपी का होने दो, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नए जवानों को, युवाओं को ये बर्बाद करने वाली लॉजिंग बोर्डिंग का काम अगर ये लोग गलत करते हैं तो उनके ऊपर खाली कानूनी तोड़ने की कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि उनके ऊपर
कानून से एमआरटीपी से भी कानून होने चाहिए और जो गलत काम है पोक्सा वगैरह जो लगते हैं वो भी इनके ऊपर लगाने चाहिए और इनको शहर से बाहर भेज देना चाहिए। इनको हक नहीं है लोक प्रतिनिधि के तौर पे अगर शहर को लूटने का काम करते युवा नेता युवाओं को अगर बर्बाद करने का काम करते हैं तो इनको शहर में रहने का हक नहीं। लोक प्रतिनिधि को लंबी की बात है। रास्ता रुंधीकरण को लेकर सरनाईक साहब आपने जो मांगे मांगी है जो मांगे रखी वो लिखित में रखी है, आपको मनपा आयुक्त ने कि आपके मांगों को लिखित में जवाब दिया है? देखिए मनपा आयुक्त के ऊपर हमारा भरोसा है, वो गलत कभी बोलेंगे नहीं क्योंकि पिछले कई साल से वो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उपायुक्त करके काम करते थे। उनके कार्यकाल में थाने शहर में रास्ता रुंधीकरण का काम हो गया और सबसे ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया और उसमें सब लोगों को जो उनकी मांगे थी वो पूरी कर दी है थाने कॉरपोरेशन। वैसे ही मांगे मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की थी, पालक मंत्री जी ने बात कर दिया, संसद ने बात कर दिया और उनको भी जवाब माननीय कमिश्नर ने दिया। तो जो गलत है वो गलत का हम समर्थन नहीं करेंगे मगर गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा, घर का घर नहीं मिलेगा, दुकान का दुकान नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री की जो जमीन है उसको अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो शिवसेना भले कुछ भी होने दो 353 के और कौन सा भी गुना दाखिल होने दो हर कार्रवाई में शिवसेना बीच में आएगी और वो कार्रवाई रोकेगी जब तक उनको उनका जो कमिश्नर ने कहा वो चीज अगर उनको नहीं मिलती है तो हम उस कार्रवाई के आगे आएंगे।